स्वागत है सबको हमारे चैनल सादा माटा द सिंपल रेसिपी में विथ देसी तड़का बाय मीरा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक बहुत ही लजीज रेसिपी जिसका नाम है नारकेल दिए कोचूर डाटी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए ठीक वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी रेसिपी मैं अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसे देख पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन एक रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए तोड़ा के स्टेम की ज़रूरत है, यानी अरबी के स्टेम जिसको हम कोचू भी कहते हैं, उसके स्टेम पार्ट को हम ले लेंगे। स्टेम पार्ट आजकल बाज़ार में ख़रीदने को ही मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, कटे हुए ही होते हैं। देखिए, इसका स्टेम पार्ट अंदर से पूरा स्पॉन्जी होता है। तो लीजिए, बाज़ार से लाए हुए इन स्टेम पार्ट को सबसे पहले जो हमें करना है, इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। तो चलिए, इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, अच्छी तरह से इसके जो डर्ट है इसको निकाल देते हैं। अब एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं और प्रेशर कुकर में दे देते हैं ये जो डंटियाँ हमने धो ली हैं इसको पानी से स्ट्रेन करने के बाद, और इसी के साथ इसमें दे देते हैं थोड़ा सा पानी और दे देंगे नमक और हल्दी, क्योंकि इसको बॉयल करने वाली हूँ। नमक और हल्दी इसी के साथ एक साथ पे बॉयल हो जाएंगे। चलिए, पानी दे देते हैं। पानी हमें पूरा नहीं देना है, आधा दे दे, आधा के करीब दे दे तो ही काफ़ी है। फिलहाल इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से रख दिया है मैंने। थोड़ी देर बाद देखिए ये पूरा नीचे की तरफ चला जा रहा है। अब इसको अच्छी तरह से बंद करके सीटी कर लगा के हमें इसको बॉयल कर लेना है। इसके बाद इसके पानी को मैंने स्ट्रेन आउट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमने ले लिया है टमाटर। टमाटर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि खट्टा करने के लिए और कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया है। ग्रेटेड कोकोनट लिया है, कोकोनट का लगभग एक कोकोनट को मैंने अच्छी तरह से, नारियल को अच्छी तरह से पीस लिया है। और ले लिया है शुगर यानी कि चीनी, और ले लिया है ग्रीन चिलीज़ का, लगभग 7 से 8 ग्रीन चिलीज़ यहाँ पर ली है मैंने, हरी मिर्च। और इसी के साथ जिंजर यानी अदरक को मैंने घिस लिया है, आप चाहे तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कीजिए। अब चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में क्यूमिन, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर हमने ले लिया है। लीजिए, हमारे मसाले भी रेडी हो गए। अब इसके बाद हमें जो चाहिए वो है बे लीव्स। बे लीव्स को मैंने बीच से तोड़ लिया है, तोड़ के मैंने अलग से रख देती हूँ। चलिए, अब इसके बाद ले लेते हैं ऑयल। मैंने वाइट ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा ही। और इसके बाद लगेगा फिश, ओनली हेड पार्ट्स, सिर्फ सिर के पीसे को हमें लेना है। इसको पहले मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए हल्दी पाउडर का दे दिया है मैंने। अब इसमें दे देते हैं नमक, नमक दे दिया है। बस इसको टॉस कर लेते हैं। टॉस इसलिए कर रहे हैं ताकि नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिल जाए इसमें। तो लीजिए, टॉस कर लिया है, थोड़ा सा हाथों से भी मिला लेते हैं ताकि नमक और हल्दी मछली के हर पार्ट में अच्छी तरह से मिल जाए। लीजिए, रेडी है, मैरिनेट हो जाए तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई बहुत ही करारी तरह से करना है, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, पूरा करारा करके फ्राई करना है। करारा करके क्यों फ्राई करना है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगी। लीजिए, हर हिस्से से अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। नीचे की तरफ से भी फ्राई कर लिया है। पूरा फ्राई हो जाए अच्छे से तो इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल के रख देते हैं। लीजिए, तैयार है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। गैस को ऑन कर लिया है, अब कढ़ाई बिठा देते हैं गर्म होने के लिए। अब इसमें दे देंगे ऑयल, कढ़ाई गर्म हो जाए तो ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हम दे देंगे क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। ज़ीरा को क्रैकल होने देते हैं और इसी के साथ दे देंगे बे लीव्स, और इसमें दे देंगे बॉइल्ड तोरा स्टेम यानी कोचू
या इसको हिंदी में अरबी कहते हैं। स्टेम पार्ट को, अरबी के स्टेम पार्ट को बॉयल करके हमने यहाँ पे दे दिया है। बॉयल करते वक्त ही नमक और हल्दी दे दिया था हमने, इसलिए हल्दी नमक देते वक्त हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम फ्राइड फिश दे देते हैं। फिश के जो हेड पार्ट्स थे उसका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इसको हम क्रश कर रहे हैं। अगर अच्छी तरह से, करारी तरह से ये फ्राई नहीं हुआ तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से क्रश नहीं कर पाएंगे। तो इसे क्रश करके पूरी तरह से मिला देना है। तो लीजिए हम मिला देते हैं। और इसके बाद हम दे देंगे मसाले। हल्दी पाउडर दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने ज़ीरा दे दिया, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर भी यहाँ पे दे दिया है। और इसी के साथ मैं दे रही हूँ ग्रीन चिलीज़ यानी कि हमारे हरी मिर्च और नमक। नमक हमें देख के देना है क्योंकि पहले भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। और जिंजर यानी कि अदरक, अदरक घिस के दिया है, आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए थोड़ी देर बाद, फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद इस वक्त हम दे दे रहे हैं टमाटर और दे देते हैं थोड़ा सा चीनी, मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों टमाटर आप थोड़ा कम देके इसमें आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें ढक के इसको पकाना है। थोड़ी देर बाद हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए काफ़ी पानी आ रहा है, पानी पूरा सूख जाना चाहिए। तो इसी तरह से हम ढक के रखेंगे, थोड़ी देर बाद फिर से खोल के देखेंगे। थोड़ी देर बाद बाद हम खोल के देखेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो थोड़ी देर बाद हम फिर से खोल के देखते हैं। देखिए अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी स्ट्रेन आउट हो रहा है। अब इसके बाद इसको हमें ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। अब इस वक्त गरम मसाला दे रहे हैं हम। देख सकते हैं आप कि यह अब नीचे से स्टिक करना काफ़ी कम हो चुका है। इस वक्त हमें दे देना है गरम मसाला। लीजिए बस अब इसे चलाते रहना है अच्छी तरह से। देखिए आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे कढ़ाई से स्टिक नहीं हो रही है, इसका जो ऑयल था ये निकल आ रहा है। तो इस तरह से पूरा हमने बना लिया है। अब लास्ट में हम दे देंगे कोकोनट, एकदम अंत में कोकोनट दे दिया है। बस ये जब स्टिक ना करे कढ़ाई से तभी हमें कोकोनट देना है। कोकोनट देने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके बस तैयार है। अब हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे। लीजिए दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है, प्लेटिंग कर लिया है। गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से ग्रेटेड कोकोनट रख दिए थे, उससे मैं थोड़ा गार्निश कर लेती हूँ। कोकोनट इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अब आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं @sadamata the simple recipe। फेसबुक पे जाइए, ये नाम टाइप कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। इसके अलावा आप ब्लॉग पे भी जुड़ सकते हैं sadamata the simple recipe.blogspot.in पे। यहाँ पे आपको हमारी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। दोस्तों आप घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।